प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 60 वर्ष के लोगों के लिए निशुल्क तीर्थ यात्रा कराने के लिए एक ट्रेन रवाना की, जिसमें शिवपुरी के 275 यात्री पहुंचे, जिनके साथ 6 पुलिस कर्मियों का स्टाफ पहुंचा, जिसमें 4 पुलिस और 2 महिलाएं भी शामिल थी। एक डॉक्टर को भी साथ में भेजा गया है। आपको बता दें कि शिवपुरी में मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए रेलवे स्टेशन पर शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह, कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, डूडा अधिकारी, आदिम जाति विभाग के सीईओ महावीर जैन, पूर्व विधायक प्रहलाद भारतीय, नरेंद्र वीरथरे, नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा, सभी लोगों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को सुबह 7:30 बजे रवाना किया। इधर शिवपुरी कलेक्टर ने यात्रा करने वाले लोगों के लिए खाने पीने की चीज़ें भी चेक कर ट्रेन में पहुंचाई। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। आज ये ट्रेन जो तीर्थ यात्रा पे लोग गए, कितने लोग गए हैं और कितने बजे रवाना हुई है? देखिए, ये जो तीर्थ दर्शन योजना है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ की थी जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में ये यात्रा प्रारंभ हुई थी। बीच में जब कांग्रेस की सरकार आई तो इसको रोक दिया गया जी। आज के दिन से ये तीर्थ दर्शन योजना पुनः शुरू हो रही है और हर स्थान से अलग अलग धर्म स्थलों के लिए रवाना हुई है। 7:30 बजे यहाँ से ये कामाख्या देवी के लिए ट्रेन रवाना हुई है। इसमें हमारे गुना, शिवपुरी और अन्य जिलों के लोग यात्रा करेंगे और सरकार इसका पूरा खर्चा वहन करेगी। कितने लोग सर यहाँ से शिवपुरी से रवाना हुए हैं अभी? ये अलग अलग जिलों से अलग अलग हैं जी। इस प्रकार से पूरे ट्रेन में भर करके ये लोग गए। वापस लौट के कब आएगी सर? वापस इनका एक रूट चार्ट है जी। रूट चार्ट के मुताबिक यहाँ सुरक्षित सभी यात्रियों को छोड़ा जाएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।